ਕੋਨਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਕਾ ਗਲਾ ਪੁੱਛੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਇੰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਨੀਰ ਪਾਉਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਰਕ ਬਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 800 ਕਨਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ 800 ਕਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 800 ਕਨਾਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਆਹੀ ਦਾ ਅੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਟਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਕੋ ਵੋਟ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾ ਸੜ ਗਈ ਆ ਕੇ पिछले दिनों दो दिन पहले यहाँ पे जो आग लगी है उसमें हाँ जी हाँ जी कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी काफ़ी ज़्यादा कितनी आपकी कुल कितना सभी लोगों का जहाँ मेरा आपका अपना हाँ मेरा कम से कम कोई 2-2.5 किला नुकसान हो गया 2-2 किला हाँ जी हाँ जी 2-2 किला मतलब जैसे 8 कनाल का किला होता है ओवरऑल जो बाकी सब सब मिला के कितना हुआ होगा अंदाजा से अंदाजा तकरीबन मेरा 10-15 किला तो हमारे इधर नुकसान हो गया 10-15 किला मतलब हो गया लगभग कोई 10-15 कमा 300-400 कनाल समझो कोई 120-125 मान लो अच्छा 20-25 करना तो इसमें ये मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से आपको कोई मदद की पेशकश या कोई आपने कोई सरकार से मांग की है हाँ जी किसी किस्म का रिलीफ या कंपनसेशन की हाँ जी हाँ जी ऐसी कोई बात हुई है आपकी नहीं अभी किसी से नहीं हुई अच्छा पटवारी आया था जी पटवारी आया लिख के ले गया उन्होंने क्या बोला है कि कब तक आपका ये जो नुकसान का जो मुआवजा जितना भी वैसे तो सुनने में ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई मुआवजा होता नहीं हाँ जी हाँ जी जो हम जो हमें ठीक है फीडबैक मिला हाँ जी हाँ जी आगे पता नहीं पटवारी साहब जो आए थे उन्होंने क्या किया क्या देखा क्या सुना हाँ जी उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया कि कब तक आपको उन्होंने कुछ नहीं बोला अच्छा ऐसे लिखे के ले गए कोई बोलते हैं मिल जाएगा कुछ थोड़ा बहुत ठीक पहले नहीं मिलता था ठीक बोल रहे थे थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा ठीक तो भगत सिंह जी ये यहाँ पे जो नुकसान हुआ है हाँ जी सबसे ज़्यादा आप ही के परिवार को हुआ है हाँ हाँ हमारे हम मेरे एक बड़ा भाई है अच्छा। उसका भी एक छोटा भाई है उसका भी एक हमारे ताए का लड़का है भाई है मास्टर है रैप अच्छा। उसका भी अच्छा एक दूसरा उसका फौजी है एक फौजी उसका भाई है उसका भी कुल कितने परिवार होंगे जो इससे प्रभावित हुए इधर हमारे देखो हमारे गाँव में तकरीबन 3 भाई तो हम हो गए एक हमारे 2 ताए के लड़के हैं 5 हो गए एक कैंप का है तिलक राज पेंच 6 हो गया क्या एक मैन सिंह हो गया काफी तकरीबन 10-12 इधर फिर एक और भी है इधर छोटे छोटे 10-15 माल आदमी का मान लो तो आग लगने का कारण क्या बताया गया है कुछ समझ नहीं लगा कोई पता नहीं लगा कैसे लगा दूर से लगा इसी समय थे हम दूर उधर मशीन पर उस खेत में काम करवा रहे थे तो मशीन वाले ने बोला तेरे गांव में आग लग गया अच्छा। हम दूर से 3.5 किलोमीटर पर उसी दम दौड़ा भागा लड़कों को फ़ोन किया ट्रैक्टर सेक्टर सब कुछ ले गए हम बड़ी कोशिश की हमारे बीवी बच्चे जो भी सभी भाग गए हमको तो वहाँ जान बचाना मुश्किल हो गया इतनी तेज़ हवा था अगर उधर बरसात नहीं होता
तो हम भी जल सकते, ट्रैक्टर जल सकते थे। मेरा बेटा अपना पहले खेत एक जल गया, दूसरा खेत मेरे भाई का था, वहाँ मेरा लड़का ट्रैक्टर घुमाने लगा। मैंने उसको बोला बेटा ट्रैक्टर बाहर निकाल दे, ये तो कणक नहीं रुकेगी, ये नहीं बचेगी, अपनी जान बचा ले। एकदम हम तुरंत बरसन में बैठ के अपना जान बचाया। कुछ लोग रो रहे थे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, हमको जान बचाना मुश्किल हो गया। मेरी बीवी खुद वहाँ खेत में थी। तो ये जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से पहुँचे थे यहाँ पे, बहुत लेट पहुँचा जी। फिर देखो जहाँ से आग शुरू हुआ वहाँ उल्टे रास्ते आ गया। देखो जहाँ आग जा रहा है वहाँ होना जी, जिस तरफ से आया आगे नाला था, वही खड़ा हो गया। हम क्या करते, फिर वो कभी उधर जाए कभी उधर जाए, वहीं गया। फिर बोलते हैं एक गाड़ी पता नहीं बिछनाह से मंगवाया, वो आया चलो तुरंत। उस टाइम हमने आग पे काबू पा लिया था, लास्ट में पहुंचा। लगभग कितने समय तक रही है आग? दो घंटा लग गया। कब का जो हादसा रही है? 12 बजे का, 12 बजे दिन में। हाँ, दो ढाई बजे दोपहर का चला रहा, दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी। दमकल विभाग की तरफ से सिर्फ एक ही गाड़ी आई है ही नहीं इनके पास, टाइम पे नहीं इनके पास, गलत रास्ते पे। सही पूछो तो सर जहाँ गाड़ी है ही नहीं, एक गाड़ी होता है, एक गाड़ी से थोड़े काम चलता है। कभी कूल में आग लग रही, कभी उस गाँव में लग रही, कभी उधर लग रही। अर्निया में एक ही गाड़ी, एक ही गाड़ी है। अच्छा, जहाँ कम से कम एक पंचायत में एक गाड़ी चाहिए। सही, जहाँ हमारे जो पंचायत है ना 4-5 गाँव का, जहाँ खड़ी होनी चाहिए वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ इस टाइम देखो 12 महीने तनख्वाह लेते ना, हमें सिर्फ 12 दिन गाड़ी चाहिए, ज़्यादा दिन की कोई जरूरत नहीं। जहाँ हमारे जो पंचायत एरिया चंगिया सेंटर में जहाँ खड़ी हो, तुरंत जहाँ आग लगे तुरंत पहुँच जाए। जब जितनी देर से अर्निया से आएगी इतनी देर से तो हमारे किलोमीटर आसान हो जाता है, कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। अगर सर मैंने जब बोला ना, अगर हवा ऐसे नहीं होती तो 400 किला का नुकसान हो जाता। बताया कि हवा का रुख बदल गया। हम फिर भी कहते हैं चलो भगवान ने अच्छा किया जो मेरा नुकसान किया और गरीब लोग बच गए। हम एक मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, अच्छा किया भगवान ने वो मेरा नुकसान कर दिया और गरीब आदमी बच गए। क्यों, जो कितना गरीब आदमी था जिसका किसी का 2 किनाल 4 किनाल 6 किनाल क्या खाते। मेरा तो चलो थोड़ा बहुत दाने बाए था तो गुजारा कर लेंगे। अभी जरा पशु क्या खाए, अभी पशु के लिए तो चारा नहीं मिल रहा, गरीब आदमी कहाँ लेंगे। देखो अगर मेरे खेत में खत्म हो गया तो मैं दूसरा कौन देगा मेरे को, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका कोई हल होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा मिलना चाहिए।